Hey guys, welcome back to my channel, The Soul Food. This is your friend Ramani Kale and I hope you guys are safe and healthy. तो अर्ज किया है, खाना तो खाना होता है, चाहे वो बिलो एवरेज हो या 5 स्टार. खाना तो खाना होता है, चाहे वो बिलो एवरेज हो या 5 स्टार. चलो आज की वीडियो में देखते हैं किसकी है जीत और किसकी है हार. तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 0 रेटिंग वर्सेस 5 स्टार रेटिंग ऑन जोमैटो फूड चैलेंज. तो हम क्या करने वाले हैं, 10 अलग अलग जगह से खाना आने वाला है, उसमें से कुछ होंगे 5 स्टार रेटिंग वाले और कुछ होंगे 0 स्टार रेटिंग वाले. सो हमें ये देखना है कि दोनों भी कैटेगरी में से सेम चीज मंगा कर उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है. और ये हम जज करने वाले हैं उनके पैकेजिंग, प्राइस, लुक, क्वांटिटी और टेस्ट के हिसाब से. सो आर यू रेडी? आज की वीडियो में बहुत मजा आने वाला है और हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना. सो हमारी आज की पहली चीज है जो हमने जोमैटो से ऑर्डर की है, वो है वड़ा पाव. सो ये है हमारे वड़ा पाव. आपको देख के लग रहा है कि कौन सा 0 स्टार और कौन सा 5 स्टार वाला है. चलो मैं बताती हूँ, ये वाला 4.4 स्टार वाला है और ये वाला 2.8 स्टार वाला. सो ये है 4.4 वाला. इसकी पैकेजिंग देखते हैं, अच्छी लग रही है. और ये है 2.8 वाला. सो ये है 2.8 रेटिंग वाला वड़ा पाव जो कि नॉर्मल न्यूज़पेपर में आया था, आपने भी देखा होगा. और ये है 4.4 वाला. इसकी पैकेजिंग थोड़ी अच्छी लग रही है, प्रॉपर फॉइल के बॉक्स में दिया है. पाव अलग से दिया है और वड़ा अलग से दिया है. सूखी ड्राई चटनी है और मिर्ची है दो. तो हम लोग कंपेयर करने वाले हैं प्राइस के हिसाब से. अभी प्राइस के हिसाब से दिस जो 4.4 वाला है वो है 30 रुपीज़ का और जो 2.8 स्टार रेटिंग वाला है वो है 35 रुपीज़ का. अब आप भी बोलो क्या आपको डिफरेंस लग रहा है पैकेजिंग की, इसकी अच्छी है और ये सिर्फ 30 रुपीज़ के लिए. और इसकी तो पैकेजिंग भी अच्छी नहीं थी, सिर्फ न्यूज़पेपर में था, तो भी 35 रुपीज़ के लिए. अभी इसका लुक देखते हैं हम लोग. सादा पाव है जो मीडियम साइज का है, आप देख सकते हो. अंदर जो वड़ा है वो भी इतना भी बड़ा नहीं है, रेगुलर साइज वड़ा है. तीखी चटनी और ग्रीन हरी चटनी लगाया और ये शायद मीठी चटनी है थोड़ी. और 2 मिर्ची है बस. और जो इसमें है उन्होंने दिया है पाव है जो इससे भी थोड़ा बड़ा है, आप देख सकते हो. और इसमें जो वड़ा है वो काफी बड़ा है, वड़ा काफी बड़ा है, चटनी है और मिर्ची है. तो प्राइस के हिसाब से तो मुझे ये वर्थ इट लगा. 30 रुपीज में अच्छी पैकेजिंग भी है और क्वांटिटी लुक भी अच्छा है. अभी टेस्ट भी देखते हैं. लेट्स सी द टेस्ट. पहले नीचे थोड़ा चटनी डालते हैं, वड़ा प्लेस करेंगे. वड़ा काफी यूज है, पाव से भी बाहर आ रहा है. लेट्स हैव अ बाइट. जो पाव, चटनी और ये वड़ा का टेस्ट, तीनों का भी कॉम्बिनेशन एक साथ ब्लेंड होके आ रहा है, मस्त लग रहा है. मिर्ची हम खा नहीं सकते लेकिन ये परफेक्ट वड़ा पाव है. मुझे तो काफी अच्छा लगा. वड़ा भी ऑयली नहीं है, ड्राई है लेकिन टेस्ट में काफी अच्छा है. सो या अभी देखते हैं 2.8 वाला वड़ा पाव. सच बात बोलूं ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. जो वड़ा है उसका भी टेस्ट नहीं आ रहा है, पूरा ब्लैंड हो रहा है. और पाव का भी टेस्ट इतना कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा है, मतलब टोटल ओवरऑल वड़ा पाव फेल है. जो पाव है उसका वो क्रम्स गिर रहा है, तो इट इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी पाव आई वुड से. तो आई थिंक क्लियर विनर इज दिस 4.4 वड़ा पाव. सो फर्स्ट कैटेगरी तो हो गई जो कि वड़ा पाव था. अभी करेंगे सेकेंड चीज को हम लोग कंपेयर, वो है पिज्जा. तो ये रहे हमारे पिज्जा. सो दिस इज 2.8 वाला पिज्जा एंड ये है 4.4 वाला पिज्जा. इसकी प्राइस कंपेयर किया जाए तो ये है 169 का कट कर, दिस इज 200. ये हमें पड़ा 200 का और ये है 169 का. तो प्राइस वाइज ये ज्यादा है, 2.8 रेटिंग्स है तो भी प्राइस वाइज ये ज्यादा है. ये असल में है 169 का पिज्जा लेकिन जो दिया है उन्होंने ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, ये अच्छा काम किया है. केचप भी है 2 पैकेट और इन्होंने भाई कुछ नहीं दिया है, 200 लिए लेकिन कुछ नहीं दिया. सो दिस इज आर 169 वाला पिज्जा. आप देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है, काफी एपेटाइजिंग लग रहा है, फुल्ली लोडेड लग रहा है, पनीर के काफी अच्छे चंक्स डाले हैं. ये है पनीर पिज्जा, पनीर टिक्का पिज्जा. अभी देखते हैं 200 वाला कैसा दिखता है. सो दिस इज आर 200 वाला पिज्जा एंड या चटनी दी है एक पैकेजिंग में, काफी डल पैकेजिंग है लेकिन दी तो एटलीस्ट है. ओरिगानो, चिली फ्लेक्स कुछ नहीं दिया. चटनी, अभी पिज्जा पे चटनी की क्या जरूरत है मुझे पता नहीं लेकिन दी है उन लोगों ने. अभी दिस इज चीजी पनीर पिज्जा. दोनों भी सेम ही मैंने ऑर्डर किया क्योंकि डिफरेंस आसानी से पता चले.
पनीर के काफी अच्छे पीसेस है इस पे, मुझे लग रहा है थोड़ा उन लोगों ने रोस्ट करके पैन फ्राइड करके डाला है और ये ऐसे कच्चे कच्चे ऊपर से डाले ऐसे लग रहा है मुझे। तो ये आप दोनों भी लुक कंपेयर कर सकते हो, दिस इज फॉर 169 और ये है 200 वाला पिज्जा। आप देख सकते हो दोनों का भी डिफरेंस लुक वाइज, ये मुझे काफी अच्छा लगा, शायद आपको भी ये वाला ही बहुत पसंद आएगा। दिस इज फॉर 169 एंड दिस इज फॉर 200, तो लुक वाइज तो इन्होंने ज्यादा जस्टिफिकेशन दिया है, प्राइस वाइज भी। तो या अभी देखते हैं टेस्ट में कैसा होता है। ये भी प्रोवाइड किया उन लोगों ने, अच्छी बात है। एंड विल पुट सम ओरिगानो, बहुत पहले ऑर्डर किया था इसलिए ठंडा हुआ है, अगर आप इसे गर्म खाते हो तो आपको और भी अच्छा लगता। सो हियर इज अ स्लाइस, अभी देखते हैं टेस्ट वाइज कैसा है। ऊपर ढेर सारा पनीर है, अनियंस है या चीज भी है ढेर सारा, अभी देखते हैं कैसा है। बहुत अच्छा लगा मुझे, चीज का जो बर्स्ट है वो अच्छा रहे। अगेन आई वुड से कि थोड़ा गर्म होता तो अच्छा होता और भी टेस्ट वाइज बहुत एनहांस होता। अनियंस का जो टेस्ट है वो आ रहा है मस्त एकदम, पनीर के मस्त पीसेस जो है लोगों ने अच्छे से मसाले में वो अच्छे से ब्लेंड किए हैं, वो भी अच्छा टेस्ट आ रहा है, गुड वन। अभी देखते हैं 200 वाला पिज्जा जो कि काफी एक्सपेंसिव पिज्जा है इससे, तो देखते हैं कैसा है। अभी चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो तो दिया नहीं है तो हम लोग डालेंगे नहीं, चीज पुल तो आया नहीं इसका भी, यानी क्योंकि काफी ठंडा हुआ है पिज्जा इससे। तो क्रस्ट, ये थिन क्रस्ट है, थोड़ा थिन क्रस्ट है, ये ब्रेड लग रहा है सॉफ्ट सॉफ्ट। कैप्सिकम है इसमें, टमेटोज है जो कि इसमें नहीं है, सिर्फ प्याज है और पनीर के चंक्स हैं इसमें, पनीर कैप्सिकम टमाटो। अभी पैसे इतने दिए तो ज्यादा वेजेस डालना ही पड़ेगा। टेस्ट देखते कैसे है, मुझे अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इतना 200 पे किया है तो भी थोड़ा तो अच्छा होता, लेकिन कुछ नहीं। वो जो ब्रेड का भी कुछ टेस्ट नहीं आ रहा है, वेजेस का भी कुछ टेस्ट नहीं है, चीज़ का भी टेस्ट नहीं आ रहा है, पूरा ब्लैंड है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा ओरिगैनो डाल के देख सकते हैं, इसका ओरिगैनो डाल के देख सकते हैं टेस्ट एनहांस होता है क्या। थोड़ा ओरिगैनो डालने से थोड़ा टेस्ट एनहांस होता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा, ऐसे चल सकता है। तो मुझे तो क्लियर विनर यही लगा वापस, जो 4.4 रेटिंग वाला है, अच्छा है, गरम करके मस्त बाद में खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते। तो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो है मसाला डोसा, डोसा कंपेयर करने वाले थर्ड कैटेगरी में, लेट्स सी। सो दिस इज 4.2 और ये है 2.1, सो रेटिंग वाइज ये ज्यादा अच्छा है और ये है वर्स्ट रेटिंग वाला। अभी दोनों भी देखते हैं, पैकेजिंग वाइज को आपको दिखाई देगा ही, दोनों भी सेम एनवलप में आए हैं, एनवलप बैग्स है। तो हम लोग देखते हैं पैकेजिंग वाइज कैसा है। डोसा, मसाला डोसा फॉइल पेपर में रैप होके आया है, फिर सब्जी है, आलू की सब्जी है, येलो आलू की सब्जी है, सांभार है, क्वान्टिटी वाइज तो अच्छा लग रहा है मुझे। And this is chutney. This is coconut chutney. So this is a 4.2 वाला dosa. Foil अच्छी बात है, foil दिया है क्योंकि dosa गर्म रहता है इसकी वजह से, अगर दूर कहीं भी जाना है तो this is a good idea to serve the customers. ये है हमारा dosa, काफी लंबा है, तो actually ये बड़ा dosa है, they have cut it into two pieces ताकि अच्छा रहे, serve भी अच्छा हो। This is our chutney, वापस coconut chutney है and this is sambar. Quantity wise भी ठीक ठाक ही है। रेटिंग वाइज 2.1 है, लेकिन लुक वाइज और जो अच्छे से सांभर भी प्रेजेंटेबल दिया है वो भी अच्छा है। सब्जी आलू की सब्जी है वो अंदर है, उन्होंने अलग से दी है, तो अभी देखते हैं टेस्ट वाइज कैसे होता है। ठंडा होने के कारण डोसा भी काफी ड्राई है, आलू की सब्जी अच्छी लग रही है, सॉफ्ट है काफी, अच्छे से मैश्ड है, हरी चटनी भी अच्छी लग रही है दिखने में, सांभर काफी वॉटरी है, थोड़ा सांभर में डिप करेंगे एंड दिस इज अ बाइट। काफी डिसेंट लगा, मस्त है टेस्ट में, अच्छा है, सब्जी का भी अच्छा फ्लेवर आ रहा है, ब्लैंड है, ज्यादा स्पाइसी नहीं है सब्जी, कोकोनट चटनी भी ज्यादा स्पाइसी नहीं है, अच्छी है। और हम लोग सांभर भी ऐसे पी के देखते हैं क्या फ्लेवर आता है इसमें, कुछ भी फ्लेवर नहीं है, प्लेन है, मजा नहीं, सांभर में मजा नहीं आया, बाकी ओवरऑल ब्लेंड और कॉम्बो अच्छा है। अभी देखते हैं 2.1 रेटिंग वाला कैसा है। सो प्राइसिंग वाइज दिस इज फॉर 95 रुपीज, जो कि 4.2 रेटिंग्स वाला है, और ये 2.1 रेटिंग वाला है वो है 115 वाला, जो कि रेट वाइज काफी ज्यादा है, लेकिन अच्छा भी है, वर्थ इट है, क्योंकि सांभर भी अच्छा प्रेजेंट किया। अभी टेस्ट में पता नहीं, देखते हैं कि कैसा है टेस्ट में, काफी ह्यूज है, स्टफ्ड है डोसा, पहले ऐसे ही खा के देखते हैं। गाइज मेरी हालत काफी खराब हुई थी एक बाइट से, आई थ्रू आफ्टर हैविंग दिस। अभी देखते हैं सांभर कैसे है, अभी सांभर कितनी तारीफ किए तो इट शुड बी बेटर।
काफी मीठा सांबर है, मीठा है, थोड़ा स्वीटर साइड पे है सांबर, थोड़ा हल्का स्पाइस है लेकिन ज्यादा तो स्वीट ही है, मजा नहीं आ रहा है। दिस इज अ टोटल फेल। आई वुड से अगेन 4.2 इज अ विनर, क्लियर विनर। सो हमारे नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी है वो है नूडल्स। सो आई हैव ऑर्डर्ड सेजवान नूडल्स, वेज सेजवान नूडल्स। ये है अभी दोनों के लुक से तो आपको, पैकेजिंग से तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा है जीरो रेटिंग वाला, कौन सा है फाइव स्टार रेटिंग वाला। सो आई मेक श्योर कि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। सो ये है 4.2 एंड दिस इज 2.9 और रेट है इसका 280 रुपीज और ये है 150 रुपीज। अभी 4.2 वाला देखते हैं। पैकेजिंग तो अच्छी दी है, ब्रांडिंग है पैकेजिंग के ऊपर, सेजवान चटनी एज यूजुअल, सोया सॉस है, रेड चिली है, डार्क सोया है। दिस इज द पैकेजिंग, 280 में काफ़ी अच्छी पैकेजिंग दी है और आइटम्स भी काफ़ी दिए हैं। अभी देखते हैं 150 की पैकेजिंग कैसे। दिस इज़ अ फॉइल बॉक्स एंड दिस इज़ अ चटनी जो दिखने में थोड़ी मुझे वियर्ड लग रही है। अभी हम देखते हैं 4.2 जो कि 280 रुपीज़ का है, उसका लुक कैसा है। बॉक्स पे काफ़ी ऑयल लगा है तो शायद ऑयली रहेगा, जो मॉइस्चर है वो है दिखने में। आप ये देखो, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी दिस, बट सेजवान है तो सेजवान का रेड कलर है ऊपर से, ढेर सारा कैप्सिकम डाला है, स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा है, चिलीज है और यस थोड़े थिक नूडल्स भी हैं। और इसका लुक देखते हैं, ये भी ऑरेंज कलर का है और ढेर सारा कैप्सिकम है, शायद मशरूम है इसके अंदर, स्प्रिंग अनियंस भी है इसके अंदर, स्प्रिंग अनियंस तो नहीं है दिख रहे, हाँ दिख रहे ऊपर ऊपर से अंदर है शायद, और ये इसके अंदर स्प्रिंग ऑनियंस तो ढेर सारे डाले हैं। ये नूडल्स की कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी है, लंबे लंबे दिख रहे हैं और ये वाले काफ़ी टूट गए हैं, ऐसे लग रहा है चम्मच से इसे तोड़ा गया है, तो आप क्लियरली देख सकते हो लुक दोनों का भी। क्लियरली आपको प्राइस के हिसाब से दिखाई देगा कि ये 280 का और ये 150 का है। नूडल के जो नूडल्स का टेक्सचर है वो इसका ज़्यादा अच्छा है इससे भी। तो अभी लास्ट है टेस्ट, अभी टेस्ट से देखते हैं इसमें कोई डिफरेंस आता है क्या। डिफरेंस है कैप्सिकम है और ये नूडल्स है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। ड्राई नहीं हुआ है, इतना टाइम रख के भी ड्राई नहीं हुआ है, थोड़े ऑयली है, अच्छा है। नूडल्स काफ़ी अच्छे हैं, ज़्यादा थिक नहीं होने के कारण टेस्ट अचीवेबल भी है, मैदा वाला ज़्यादा फीलिंग नहीं आ रहा है और जो स्पाइस है मसाला का अच्छे से हिट कर रहा है, कैप्सिकम क्रंची लग रहा है, प्रॉपर नूडल्स जैसे होने चाहिए सेजवान नूडल्स, मुझे तो अच्छे लग रहे। चिकन या नॉनवेज से भी वेज अच्छे लगे मुझे। मैं निकालने नहीं वाली हूँ चटनी क्योंकि आई मोस्टली अवॉइड हैविंग दिस चटनी। ये थोड़ा रेड कलर ज़्यादा है, डार्क है, लेकिन मोस्टली आई अवॉइड हैविंग इट। ये मुझे नूडल्स कम चाइनीज वेज ज़्यादा लग रही है। स्टफिंग अच्छी है, कैप्सिकम है, मशरूम्स भी दिए है, ये अच्छी बात है। इसका रेटिंग्स भी कम है जोमेटो पे और प्राइस वाइज भी बहुत कम है, इससे तो कम है। अभी टेस्ट में देखते हैं। टोटल फेल गाइस, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, किसका भी टेस्ट नहीं है, टोटल ब्लैंड। नूडल्स का तो फीलिंग है, ऐसे लग रहा है वो सेव रहता है ना तला हुआ, वो है चाइनीज भेल वाला पूरा फीलिंग है। प्रॉपर ऑथेंटिक नूडल्स जो लग रहा है वो यही लग रहा है। सो दिस इज अगेन अ क्लियर विनर। सो आज की लास्ट और फाइनल कैटेगरी है वो है पाव भाजी। सो दिस इज 4.2 रेटिंग वाली पाव भाजी और ये है 2.6 वाली रेटिंग वाली पाव भाजी। और प्राइस के हिसाब से दिस इज फॉर 190 रुपीज प्लेट और ये है 120 रुपीज प्लेट। और शक्ल से तो आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि कौन सी लो रेटिंग वाली है। इसकी पैकेजिंग काफी अच्छी है, प्लास्टिक बैग में दिया है, पेपर बैग में दिया है और ये है पॉलिथीन में दिया है। तो अभी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या दिया है। पाव फॉइल में दिया है, दैट इज़ अ गुड थिंग। और ये दिया है प्याज और नींबू। दिस इज आर पाव भाजी जो कि बहुत अच्छी पैकेजिंग है ब्रांडिंग के साथ। अभी इसको देखते हैं, ये नॉर्मल पॉलिथीन में आई है, ये भी फॉइल में है, पाव दो पाव है। इसका प्याज और नींबू फॉइल में दिया है और इसका पॉलिथीन में ही दिया है। एंड दिस इज आ पाव भाजी अगेन अ बॉक्स, बट दिस डजंट हैज अ ब्रांडिंग एंड दिस हैज अ ब्रांडिंग। तो लुक वाइज देखिए, कलर भी मस्त है, एकदम ऑरेंजी रेड है, अच्छी लग रही है। स्मेल भी पाव भाजी जैसा आ रहा है मस्त एकदम। टेस्ट वाइज अभी देखते हैं कैसा है, इसका जो कंसिस्टेंसी है वो चेक करते हैं। मस्त है, ऑसम है, काफ़ी स्टफ्ड है भाजी, काफ़ी कुछ है इसमें और कलर से भी अच्छी लग रही है, टैंगी लग रही है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं लग रही है।
अभी टेस्ट से देखते हैं कैसी होती है। पाव मस्त एकदम सेक के दिया है बटर में, अभी भी काफी ये है बटर की वजह से फ्रेश लग रहा है, और अंदर भाजी नहीं है, सिर्फ सादा पाव बटर में टोस्ट करके दिया है। एंड दिस इज अ बाइट। मस्त है भाजी, बिल्कुल भी तीखी नहीं है, स्पाइसी नहीं है, मीडियम स्पाइस है, अच्छी है, और पाव से भी, पाव के साथ भी अच्छी ब्लेंड कर रही है। आई लव्ड इट। स्मेल वाइज तो पाव भाजी जैसी नहीं लग रही है, जो कुरमा भाजी रहते हैं ना वैसा स्मेल आ रहा है, अभी टेस्ट करके पता चलेगा। ये लिया पाव, काफी ऊपर से ऑयल लग रही है, आप देख सकते हो ऑयली लग रही है, ऑयल ज्यादा है इसके अंदर, और कलर भी इससे ये ऑरेंजी कलर में है और ये रेडिश है, तो आई थिंक ये ज्यादा स्पाइसी होने वाली है। चेक करते हैं, एंड दिस इज अ बाइट। जैसे मुझे लगा ये पाव भाजी नहीं, भाजी का जो नॉर्मल तुरमा भाजी उसका टेस्ट है, जो होटल में अक्सर खाते हैं हम लोग वेज हंडी, वैसी टेस्ट आ रही है पाव भाजी की, बिल्कुल भी फ्लेवर्स नहीं उसमें। पाव भाजी मसाला ही डालना भूल गए शायद, लेकिन हाँ ठीक ठाक है, नॉट दैट बैड ऑल्सो, बट टेस्ट के हिसाब से क्लियर विनर यही है, मुझे ये वाला अच्छा लगा। 190 rupees और 4.2 रेटिंग्स। सो या, सो दिस इज इट फॉर द डे गाइज। सो आज के ये वीडियो में हम लोगों ने कंपैरिजन देखा, आप लोगों ने कंपैरिजन देखा, जो रिव्यूज मैंने दिया आपको वो ऑनेस्ट रिव्यू था, लो रेटिंग्स वर्सेस हाई रेटिंग्स। और मुझे एक आपको टिप देना है, अगर आप कहाँ से भी, चाहे वो जोमैटो हो, स्विगी हो, कौन सा भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, अगर खाना मंगा रहे हो तो प्लीज रेटिंग्स चेक करके लेना, क्योंकि रेटिंग्स का काफी अच्छा इफेक्ट पड़ता है क्वांटिटी और प्राइस के ऊपर। जैसे आप आज आपने लाइव देखा कि कैसे मैंने जितने भी हाई क्वांटिटी हाई रेटिंग वाले खाए, 4.24 के ऊपर रेटिंग वाले खाए, वो अच्छे थे क्वांटिटी के हिसाब से भी और टेस्ट के हिसाब से भी, और जो मैंने 2-3 के नीचे जो भी लोएस्ट रेटिंग वाले खाए वो सबसे बकवास थे, मुझे बिल्कुल अच्छे लगे, शायद वो आपके हेल्थ के लिए भी बहुत बुरा हो सकता है। तो प्लीज़ रेटिंग, मेरी तरफ से एक टिप है कि रेटिंग देख के लेना, प्राइस देख के मत लेना, रेटिंग्स भी उतना ही फर्क पड़ता है ऑर्डर करते वक्त ऑनलाइन। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, ऐसे ही चैलेंजेस आगे भी देखना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर डालना, और ऐसे ही फन वीडियोस, एंटरटेनमेंट वीडियोस अगर आपको आगे भी देखना है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अंटिल देन खाओ पियो खुश रहो, चाहे वो बिले बिले जगह से खाने आने कर उन्होंने आपको पता ही नहीं चलेगा कि अरे तो स्क्रिप्टिंग नाइट में है। 200 का पिज्जा, 200 वो भी काफी स्टफ्ड है, ह्यूज है, आलू की सब्जी, येलो बटाटो एंड भाजी